वेलकम टू माय चैनल लाइफ व्लॉग्स विद मेघा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लस्सी की रेसिपी। मैं कह गर्मियाँ चल रही हैं तो क्यों ना आपके साथ लस्सी की रेसिपी शेयर करी जाए। तो सबसे पहले लस्सी के लिए हमें दही चाहिए होगा, ठीक है। ये मैंने दही लिया है, ये मैंने घर पर जमाया था, आप बाज़ार वाला भी ले सकते हो, देखो, ठीक है। अगर आपको इस दही की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हो, मैं आपको रेसिपी दे दूँगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लस्सी बनाना। मैंने एक कप दही ले लिया है, ठीक है। ये मैं ग्राइंडिंग जार में डाल दूंगी, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर में डाल दूंगी। आप चाहें तो आप उसको फेंट भी सकते हो, वो जो लकड़ी का फेंटने वाला होता है उससे फेंट भी सकते हो, ठीक है। एक कप मैंने दही डाल दिया है, गाढ़ा दही है, ठीक है। अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी, ठीक है। मतलब ये मेरे जिस कप में मैंने दही लिया था ना, उस कप का आधा कप होगा चीनी है, मतलब 4-5 बड़े चम्मच। आप टेस्ट के हिसाब से बना लेना, ठीक है। ये मैंने डाल दी चीनी 5 चम्मच के, मतलब 3-4 चम्मच के करीब। हम इसमें पानी भी डाल देंगे, पानी डाल दिया, 3 चम्मच और डाल दिया है, मतलब आधा का कप पानी डाल दिया है। आप चाहें अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी चाहिए तो आप पानी की क्वांटिटी कम कर लेना, अगर थोड़ी सी पतली चाहिए क्योंकि दही काफ़ी गाढ़ा था तो आप थोड़ा सा पानी इसमें आधा कप डाल देना, ठीक है। एक कप दही में आधा कप पानी डाल देना, ठीक है। अब कुछ हम इसमें 5-6 आइस क्यूब्स डाल देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसको 4-5 मिनट के लिए मिक्सर ग्राइंडर में घुमा लिया है। अब मेरी लस्सी रेडी है, देखिए। गिलास मेरा वो बन गया है, अब मैं बाकी में ये रोस्ट डालूंगी, ठीक है। मतलब 2 गिलास में टोटल बन जाएंगे इतने मिक्स में। अगर आपको सिंपल बनानी है तो आप सिंपल बना लें, नहीं तो रोज वाली लस्सी भी बना सकते हो, रोज लस्सी। तो 2 चम्मच मैंने इसमें रोज का सिरप डाल दिया है। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी फिर से एक बार। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं रोज लस्सी भी डाल दूंगी। देखिए 2 गिलास इतने में बन गए हैं हमारे, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको लस्सी की रेसिपी अच्छी लगे, रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करा करें और सब्सक्राइब करा करें। मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है अभी इस वक्त, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा करें और लाइक करा करें, जिससे कि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। मेरे मुझे लगे कि आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो फिर मेरा मन करेगा और भी वीडियोज़ बनाने का। और कमेंट में मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वीडियो के रिलेटेड, रेसिपी के रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। ओके एंड बाय।